नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। शहरी क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर दूर पीएलएफआई से गढ़ माने जाने वाले वृंदा नवाटोली में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी मनोज कुमार ग्रामीणों से मुखाबित हुए। ग्रामीणों के साथ बैठक पर तमाम अंधविश्वास और कुरीतियों को त्याग करने की अपील की, साथ ही कहा कि शिक्षा को हथियार बनावे, बच्चों को शिक्षित करें और क्षेत्र के विकास में एकजुट होकर काम करें। किसी प्रकार की परेशानी आने पर पुलिस द्वारा हर संभव सहयोग किया जाएगा। वहीं पुलिस अधिकारियों के गांव पहुंचने से ग्रामीण भी उत्साहित नजर आए। मौके पर ग्रामीणों ने भी कई समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि किसी प्रकार की विपत्ति या परेशानी आती है तो तत्काल प्रशासन को सूचना करें, कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और उनकी एक नई सोच अमली जमा को लाया जा रहा है। प्रत्येक गांव में मीटिंग किया जाए, प्रशासन को जनता के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि जनता एक एक आदमी कभी ब्लॉक जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी थाना जाएगा, उसकी समस्या को कोई सुन नहीं पाता है। जब प्रशासन गांव में आएंगे तो सैकड़ों की संख्या में आदमी की समस्याएं हैं। पहली बात तो उसकी समस्या को सुनेंगे और दूसरी बात है कि प्रशासन के प्रति जो एक मन में जनता के मन में भय है, भय का माहौल खत्म होना चाहिए। पारदर्शी प्रशासन होना चाहिए, फ्रेंडली प्रशासन होना चाहिए, पारिवारिक प्रशासन होना चाहिए। प्रशासन अगर नहीं पहुँचेगा गाँव में तो बेटे बेटी पहुँचता है गाँव में। मेरी अपनी विचारधारा है, बस एसपी साहब की सोच को समाज में उतारना है, जमीन को उतारना है और बेहतर समाज बनाने के लिए आगे बढ़ना है। कि आज अपराध के क्षेत्र में हम लोग कदम रखते हैं और यही इसका मेन कारण है शिक्षा की कमी, जो सर ने अभी बताया कि शिक्षा नहीं होने के कारण से बहुत घटना हो जाता है। लोग डर से भी नहीं बताते हैं, कुछ लोग अरे क्या होगा, पुलिस को बताने से पुलिस आएगा, अंदाजी किसी को उठा के चले जाएगा, ये डर होता है। लेकिन इस डर को निकाल कर हम लोग को आगे बढ़ना है। कानून को बदल दिया। अच्छा। पहले तो ठीक था। हाँ। ये कार्ड खत्म हो गया फिर भी ठीक था। हाँ। उस टाइम हमारा कोई शिकायत नहीं था। हाँ। इधर दो महीना से चार प्रिंट कर दिया। अच्छा। एकदम एक प्रिंट चावल, एक प्रिंट गेहूँ, एक प्रिंट सब तेल उल, अलग अलग प्रिंट। अच्छा। अब पब्लिक का एक प्रिंट ले रहा है ना, तीसरा उधर लेवे नहीं कर रहा है। आप इसका कंप्लेन डीएसओ सर को बताया? दो दिन से इधर हो रहा है, उधर तो एक महीना किसी तरह घिस पीस के चल गया। अच्छा। इधर होबे नहीं कर रहा है, लाया है वहाँ की मशीन लेके आपको। हाँ। तो वहाँ जा रहे हैं हम। हाँ, बस यही समस्या है। तो कुछ सुन लिए ना, मर गया फिर यहाँ पे आए थे पुलिस कर्मी से। हाँ। छोटा बाबू थे ना, बड़ा बाबू थे, आए थे एक जन। अच्छा। तो ठंडा से मर गया है, इसीलिए इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अच्छा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।